लाइव डन ओके मुझे नहीं शो रहा ओके डन डन गुड आफ्टरनून गाइस गुड आफ्टरनून एनिमल फिजियोलॉजी का कुछ पार्ट सर पढ़ाएंगे और कुछ पार्ट हम पढ़ाएंगे सुहास जी नमस्ते नमस्ते बीएस लाथर नमस्ते अमन चौधरी गुड आफ्टरनून लेट नहीं आते लेट हो जाता है आज बारिश बहुत हो रही है आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है इस वजह से लेट हो गया गुड आफ्टरनून गाइस गुड आफ्टरनून रेनू गुड आफ्टरनून जया अनुप्रिया गुड आफ्टरनून तो खराब है इस वजह से लेट हो गया ठीक है चलो शुरू करते हैं आज बात करते हैं फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन के क्वेश्चंस वगैरह करे थे आप लोगों ने हेलो रिया कैसी हैं आप फर्टिलाइजेशन के लेक्चर इतनी नॉलेजेबल लेक्चर एक्सपीरियंस थैंक यू सुहास जी थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन थैंक यू सो मच ओके अच्छा झारखंड में भी बारिश हो रही है अच्छा यहाँ पर भी बहुत बारिश हो रही है रितेश खंबागनी पूनम कंवर बहुत बहुत नमस्कार आपको जिगिशा अरे नहीं चलिए आप लोग पढ़ने आते हैं जिगिशा जी वही बहुत है गुड आफ्टरनून सालिम गुड आफ्टरनून गाइस चलो शुरू करते हैं मैमेलियन फर्टिलाइजेशन ये रुक क्यों गया स्लो है क्या नेट स्लो है क्या चलो ओके बात करते हैं फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स की तो हमने सी अर्चिन का फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर लिया उसके सारे प्रोसेसेस कंप्लीट कर लिए अब हम बात करेंगे किसकी मैमल्स में फर्टिलाइजेशन बताया था कि मैमल्स के केस में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है अच्छा पोषम जी आप तेलंगाना से हैं अच्छा नमस्ते आंचल त्रिपाठी पाकिस्तान में नहीं हो रही है यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है मोहम्मद यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ओके डन वेट गाइस मुझे ज़रा सा पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंटेंट देख लेते हैं कि आज क्या क्या ख़त्म करेंगे तो मैमिलियन के केस में क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में उसको शुरू करने से पहले हम लोग एग के स्ट्रक्चर की बात करेंगे स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात हम सी अर्चिन में कर चुके हैं इसलिए यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे सी अर्चिन में हम एग स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं तो यहाँ पर एग के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है तो यहाँ पर एग के स्ट्रक्चर की बात करेंगे उसके बाद गैमिट्स के ट्रांसलोकेशन की बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जहाँ पर गैमिट्स का फ्यूजन होना है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होना है उस जगह को डिस्कस करेंगे ठीक है उसके बारे में बात करेंगे अच्छा अरे बहुत अलग अलग भाई बहुत दूर दूर के लोग देख रहे हैं चलो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है हेलो तूफान चलिए फिर उसके बाद ट्रांसलोकेशन की बात करेंगे स्पर्म कैपेसिटेशन की बात करेंगे उसके बाद क्या पढ़ेंगे एक्रोसोम रिएक्शन एंड रिकॉग्निशन एट द जोना पैलेसिडा एंड गैमीट फ्यूजन एंड द प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मिंग मतलब आज हम लोग पूरा का पूरा मैमेलियन फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करेंगे तो आप लोग पानी वानी पी के बैठिए और आराम से पढ़ना शुरू कर दें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं मैमेलियन फर्टिलाइजेशन से कैपेसिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बहुत क्वेश्चन आए हैं कैपेसिटेशन से देखिए कैपेसिटेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जून में भी आया हुआ है दिसंबर में भी आया हुआ है ये भी कैपेसिटेशन से रिलेटेड प्रोसेस है कैसे स्पर्म जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में किस तरीके से ट्रांसलोकेट होता है देन उसके बाद हम लोग जब क्या पढ़ेंगे गैमीट फ्यूजन पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे इन प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे
विस्तार में पढ़ेंगे कि कैसे ये गैमेट फ्यूजन में ये प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, इज्यूमो कहाँ प्रेजेंट होती है, ज्यूनो कहाँ प्रेजेंट होती है, ये सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर दिसंबर 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, ओवेस्टेसिन एंड CD9 से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, तो इन सारी प्रोटीन्स को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या रोल प्ले करती हैं मैमेरियन फर्टिलाइजेशन के दौरान। ओके, यहाँ पर नेट बहुत स्लो है, नेवर थॉट स्टडिंग दबायो इट बी सो इजी। थैंक यू मानेश्वर जी, थैंक यू सो मच। हाँ, गुजरात में बारिश नहीं हो रही है, हो जाएगी, कोई बात नहीं, हो जाएगी जी, शाम मत परेशान हो। चलो, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग इस सेशन के बाद, इस सेशन लास्ट में डिस्कस करेंगे, डन। चलो अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन की बात। तो मैमेलियन के केस में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के साथ साथ कहाँ पर होता है? ओविडक्ट रीजन में होता है। कहाँ पर होता है? ओविडक्ट रीजन में। तो हमने अपने पहले लेक्चर में पांच स्टेप बताए थे किसी भी फर्टिलाइजेशन के दौरान होने के लिए। कौन कौन से बताए थे? हीमो अट्रैक्शन बताया था, फिर सेकेंड एक्सोसाइटोसिस बताया था, कीमो अट्रैक्शन एक्सोसाइटोसिस, थर्ड इज एक्सोसाइटोसिस, थर्ड स्टेप क्या था बाइंडिंग ऑफ स्पर्म, फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप पासिंग ऑफ स्पर्म, और फिफ्थ स्टेप फ्यूजन। तो ये पांच स्टेप हमें बताए थे, ये बेसिक स्टेप बताए थे जो फर्टिलाइजेशन के दौरान होते हैं। हमने बोला था मैमेलियन जब हम पढ़ाएंगे, मैमेलियन का केस पढ़ाएंगे, तो वहां पर क्या होता है? बाइंडिंग पहले होती है, एक्सोसाइटोसिस बाद में होती है। ये क्या हो रहा था? सी अर्चिन मैंने देखा था कि एक्सोसाइटोसिस का मतलब रीजिंग ऑफ एक्रोसोमल कंटेंट पहले हो रहा था, एक्रोसोमल जितना भी प्रोटियोलिटिक कंटेंट था एक्रोसोम का वो पहले रिलीज हो रहा था, और बाइंडिंग जो है वो बाद हो रही थी। लेकिन मैमल्स के केस में बाइंडिंग पहले होती है और एक्सोसाइटोसिस बाद में होती है। हाँ, कुछ जोना प्रोटीन्स होती हैं जो क्या करती हैं, जो एक्सोसाइटोसिस को जो एक्सोसाइटोसिस पहले करा के बाइंडिंग बाद में करवाती हैं, तो अभी हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? हेट्रोजेनिटी ऑफ स्पर्म। हेट्रोजेनिटी ऑफ स्पर्म का मतलब जब वेजाइना में स्पर्म इजैकुलेट होते हैं तो वो अप्रॉक्स 300 मिलियन स्पर्म्स जो होते हैं, जो इजैकुलेट होते हैं, तो वो सारे स्पर्म अपने मैच्योरेशन की डिफरेंट स्टेजेस पर एग्जिस्ट करते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे वो मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होने के बाद जैसे जैसे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मूव करते हैं, ट्रांसलोकेट करते हैं, और उसके बाद जब वो कम्प्लीटली मैच्योर हो जाते हैं, जब उनका कैपेसिटेशन हो जाता है, तब उनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो ओविडक्ट रीजन में पहुंचे, वो फेलो एम्पुलरी रीजन में पहुंचे और वो क्या कर पाए, एग को फर्टिलाइज कर पाए। तो जब भी स्पर्म वजाइना में या सर्वाइकल रीजन में इजैकुलेट होते हैं तो उस केस में क्या होता है वो अपनी मैच्योरेशन की डिफरेंट स्टेज पर होते हैं। अच्छा, आप न्यू हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो हाँ, चलो तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का स्ट्रक्चर देखने से पहले हम एग के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो मैमल्स के केस में जो एग का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज ये रहा ओवम, और इस ओवम के ऊपर जो प्रेजेंट होती है दैट इज जोना पैलुसिडा। किसके इक्वल होती है? सी अर्चिन में विटेलाइन एनवेलप इक्वल होती है। जोना पैलुसिडा किसके इक्वल होती है? सी अर्चिन के विटेलाइन एनवेलप के इक्वल होती है। इस जोना पैलुसिडा के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? क्यूमुलस का की एक लेयर प्रेजेंट होती है। ये क्यूमुलस होती क्या है बेसिकली? ये क्यूमुलस होती हैं ओवेरियन फॉलिकुलर सेल्स। ये क्यूमुलस, इसी को क्या बोलते हैं? क्यूमुलस मैट्रिक्स जो होती है, क्यूमुलस की जो इनर लेयर होती है, इसको बोलते हैं क्या?
कोरोना रेडिएटा, इसको क्या बोलते हैं, कोरोना कोरोना रेडिएटा। तो ये मैमिलियन एग का स्ट्रक्चर हो गया, ये क्या हो गया, मैमिलियन एग का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट स्लो चल रहा है, बहुत मतलब बहुत पीछे चल रहे हैं हम यहाँ पर, इसीलिए मैसेज रीड नहीं कर पा रहे हैं। चेक करो, ठीक। तो हम बात करेंगे, तो ये हो गया एग का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं जरा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की बात करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की बात करते हैं। तो स्पर्म का ये क्या है, ये क्या है, सर्विक्स रीजन है। ये क्या है, सर्विक्स रीजन है, सर्विक्स सर्विक्स रीजन है। ये क्या है, यूटेरस है। ये क्या है, ओविडक्ट है। क्या है ये, ओविडक्ट। अब ओविडक्ट में अलग अलग रीजन के नाम होते हैं, जैसे जैसे ये नैरो रीजन होता है, ये नैरो रीजन होता है, इसे क्या बोलते हैं, थमस। इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, ये कैपेसिटेशन के दौरान बहुत यूजफुल होता है, ये गैमिट्स ट्रांसलोकेशन के दौरान बहुत यूजफुल होता है, और इसके साथ ही क्या होता है, ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने में भी ये रीजन इन्वॉल्व होता है। तो स्थमस, ये जो नैरो रीजन होता है, ये कैसा होता है, इसे क्या बोलते हैं, स्थमस बोलते हैं। और ओविडक्ट का ये स्वेलन पार्ट जो होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे एम्पुला बोलते हैं। और इसी रीजन पर, इसी रीजन में एम्पुला रीजन, और इसी रीजन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि गैमिट्स जो होते हैं, एग और स्पर्म का जो फ्यूजन होता है वो एम्पुलरी रीजन में होता है। ये क्या है, ये फिम्ब्री है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और फिम्ब्री की एज का जो रीजन होता है उसे क्या बोलते हैं, इन्फंडिबुलम। क्या बोलते हैं, इन्फंडिबुलम। देन जब ओव्यूलेशन से, देखो क्यूमुलस जो वो ओवम के चारों तरफ जो ना पैलेसिडा के ऊपर जो क्यूमुलस मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट हो, मतलब उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इंपॉर्टेंस क्यों होता है, जब भी फिम्ब्री ओव्यूलेशन के बाद जब ओवरी से क्या रिलीज होता है, ऊसाइट रिलीज होता है, तो ऊसाइट जो फिम्ब्री होती है वो ऊसाइट क्यूमुलस कॉम्प्लेक्स को रिसीव करने का काम करती है। मतलब हमेशा फिम्ब्री क्या करती है, ऊसाइट क्यूमुलस कॉम्प्लेक्स को रिसीव करती है, और बाय द मसल कॉन्ट्रेक्शन एंड बाय द सीलियर मोशन ये इसको कहाँ पहुँचा देती है, एम्पुलरी रीजन तक पहुँचा देती है। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियली जो एग के ऊपर जो क्यूमुलस मैट्रिक्स प्रेजेंट है अगर हम उसको रिमूव कर दें, तो फिम्ब्री कभी भी ऊसाइट या ओवम को पिक नहीं कर पाएगी, और अगर फिम्ब्री पिक नहीं कर पाएगी ऊसाइट को, तो कभी भी एग जो है वो एम्पुलरी रीजन तक नहीं पहुंचेगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो हमेशा फिम्ब्री का काम क्या होता है, ऊसाइट क्यूमुलस कॉम्प्लेक्स को पिक करना, अकेले ऊसाइट को पिक नहीं करती है फिम्ब्री। डन, हाँ तो डन, ठीक है, ओके ओके, हाँ सॉरी की कोई बात नहीं है, हम खुद भी लेट हैं। चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की, कि स्पर्म जो है वो ट्रांसलोकेट कैसे होता है। ट्रांसलोकेट का मतलब सर्वाइकल रीजन से होते हुए एम्पुलरी रीजन तक पहुंचना, गैमिट्स में, मतलब एग के ट्रांसलोकेशन की और स्पर्म के ट्रांसलोकेशन। तो एग का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, फिम्ब्री ने क्या किया, ओवुलेशन के बाद एग को पिक किया, और एग को कहाँ पहुंचा दिया, मसल कॉन्ट्रेक्शन के थ्रू एग कहाँ पहुंच गया, एम्पुलरी रीजन तक। लेकिन स्पर्म जो सर्वाइकल रीजन में है उसे एम्पुलरी रीजन तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना है, बहुत दूर तक जाना है। तो अब उसके लिए डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हाईली स्पेशलाइज सेट ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जो गैमिट्स के ट्रांसलोकेशन में तो इन्वॉल्व होते ही होते हैं, इसके साथ ही गैमिट्स के मैच्यूरेशन को भी रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो अब ट्रांसलोकेशन शुरू होता है, ट्रांसलोकेशन के दौरान गैमिट्स का ट्रांसलोकेशन जो होता है, क्या लिखा हुआ है पढ़िए, द ट्रांसलोकेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द वेजाइना टू ओविडक्ट इन्वॉल्व्स सेवरल प्रोसेसेस दैट वर्क एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस।
तो तीन प्रोसेसेस होते हैं जो स्पर्म ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं, स्पर्म को कहां तक पहुंचाने में, स्पर्म को ओविडक्ट रीजन तक पहुंचाने में, कहां पर पहुंचाने में, ओविडक्ट रीजन तक। पहला स्पर्म मोटिलिटी, तो स्पर्म मोटिलिटी मतलब फ्लैजुलर एक्शन, स्पर्म मोटिलिटी के स्पर्म अपने फ्लैजुलर एक्शन के थ्रू कहां पर मूव करता है, मूव करता है कहां तक, ओविडक्ट रीजन तक। लेकिन ये फ्लैजुलर एक्शन ड्यू टू सर्वाइकल म्यूकस इतना ज्यादा एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में इतना ज्यादा एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है। दूसरा कंडीशन क्या होती है, यूटेराइन मसल कॉन्ट्रेक्शन की, तो यूटेराइन मसल कॉन्ट्रेक्शन भी हेल्प करता है किसको, स्पर्म को ओविडक्ट रीजन तक पहुंचाने में। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, दैट इज स्पर्म रियोटैक्सिस। स्पर्म रियोटैक्सिस कैसे हेल्प करता है, स्पर्म रियोटैक्सिस के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू स्पर्म में क्या एक्टिवेट हो जाते हैं, कैल्सियम आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं, और कैल्सियम आयन चैनल्स ओपन होने की वजह से स्पर्म में क्या होने लगता है, कैल्सियम आयन इनफ्लक्स होने लगता है, और कैल्सियम आयन जब इनफ्लक्स होने लगता है, कैल्सियम आयन इनफ्लक्स की वजह से स्पर्म क्या करता है, ओविडक्ट रीजन तक मूव करने लगता है। तो इनिशियली ट्रांसलोकेट स्पर्म सर्वाइकल रीजन से स्पर्म को इनिशियली सर्वाइकल रीजन से, मतलब सर्वाइकल रीजन से ओविडक्ट रीजन तक पहुंचाने के लिए स्पर्म मोटिलिटी को काम करती है, यूटेराइन मसल कॉन्ट्रेक्शन काम करता है, और स्पर्म रियोटैक्सिस चैनल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, स्पर्म मेम्ब्रेन में प्रेजेंट कैट्सफर्ड जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो कैल्सियम आयन चैनल्स को इनकोड करते हैं, और कैल्सियम आयन चैनल्स जैसे ही एक्टिवेट होते हैं कैल्सियम अंदर आने लगता है, और ये कैल्सियम आयन क्या करता है, डायरेक्शनल क्यू प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को ओविडक्ट रीजन तक पहुंचने में डायरेक्शनल क्यू प्रोवाइड करता है। जैसे वहां पर कीमो अट्रैक्शन हो रहा था तो कैल्सियम आयन इनफ्लक्स से ही क्या मिल रही थी, डायरेक्शन मिल रही थी, कहां पर, सी अर्चिन में, सी अर्चिन में जैसे ही कैल्सियम आयन इनफ्लक्स हो रहा था वैसे ही कैल्सियम आयन को स्पर्म को क्या मिल रही थी, डायरेक्शन मिल रही थी, और स्पर्म क्या होने लगे थे, एग की तरफ मूव करने लगे थे। तो यहां पर भी रियोटैक्सिस जब होगी, स्पर्म रियोटैक्सिस के दौरान भी क्या होता है, स्पर्म सेल मेम्ब्रेन में कैट्सफर्ड जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये कैट्सफर्ड जीन्स क्या करते हैं, कैल्सियम आयन चैनल्स को एक्टिवेट करते हैं स्पर्म में, और स्पर्म जैसे ही स्पर्म में सेल मेम्ब्रेन में कैल्सियम आयन चैनल्स ओपन होते हैं, कैल्सियम आयन इनफ्लक्स होने लगता है, कैल्सियम आयन के अंदर जाने की वजह से स्पर्म को क्या मिलने लगती है, डायरेक्शनल क्यूज मिलने लगते हैं, और स्पर्म उसको फॉलो करते हुए क्या होता है, मूव करने लगता है किस रीजन तक, जहां पर फर्टिलाइजेशन होना है। डन, तो ये बात हो गई स्पर्म के ट्रांसलोकेशन की। हाँ, डायरेक्शनल क्यूज प्रोवाइड कराते हैं, क्या कराते हैं, डायरेक्शनल क्यूज प्रोवाइड कराते हैं। अब बात करते हैं कैपेसिटेशन की, किसकी बात करेंगे, कैपेसिटेशन की। तो जब भी स्पर्म ओविडक्ट रीजन तक पहुंचता है, तो हमने बताया कि स्थमस रीजन में क्या होता है, स्थमस रीजन नैरो होता है, स्थमस रीजन कैसा होता है, नैरो होता है। स्थमस रीजन की जो इपिथीलियल सेल्स होती हैं वो स्पर्म के साथ बाइंड हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, बाइंड हो जाती हैं, और स्पर्म के साथ बाइंड होके वो क्या करते हैं, ये बेसिकली ये रीजन जो होता है वो स्लो ब्लॉक टू काम करता है, स्थमस रीजन जो होता है वो क्या करता है, स्लो ब्लॉक नहीं कह सकते, ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने का काम करता है, नॉट स्लो ब्लॉक, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने का काम करता है। पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने का मतलब ये रीजन कैसा होता है, नैरो होता है कंपैरेटिवली। तो इस रीजन की जो इपिथीलियल सेल्स होती हैं, जो भी स्पर्म आते हैं उनके साथ बाइंड हो जाती हैं, यानी कि बहुत सारे अनकैपेसिटेटेड स्पर्म क्या होते हैं, इसी रीजन में डाई ऑफ कर जाते हैं, जो कैपेसिटेट नहीं हो पाते, जो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाते, वो क्या करते हैं, वो इपिथीलियल बाइंडिंग से, इस इपिथीलियल बाइंडिंग से खुद को रिमूव नहीं करा पाते, और अगर जब ये एपिथीलियल बाइंडिंग रिमूव नहीं होती है तो वो वहीं पर डाई ऑफ कर जाते हैं। व्हाइल जो स्पर्म इस रीजन में क्या होता है, इस रीजन में कैपेसिटेशन रेट स्लो हो जाता है, स्पर्म की लाइफ स्पान भी बढ़ जाती है इपिथीलियल सेल से बाइंड होने की वजह से। अब जो स्पर्म कैपेसिटेट हो गया, अब जिसका कैपेसिटेशन कंप्लीट हो गया, वो स्पर्म क्या हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो वो स्पर्म क्या होगा, इस रीजन से आगे की तरफ बढ़ने लगेगा और अपने आप को इस बाइंडिंग से रिमूव करा लेगा। ये बाइंडिंग जो एपिथेलियल सेल्स ने जो बाइंड करके रखा हुआ है, ये बाइंडिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि स्पर्म का कैपेसिटेशन होने के बाद स्पर्म ऐसा हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है,
कैसा हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो वो अपने आपको इस एपिथेलियल बाइंडिंग से रिमूव कराएगा और आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। तो इस्थमस रीजन क्या करता है, ट्रांसलोकेशन के साथ साथ कैपेसिटेशन में और स्पर्म की लाइफ स्पैन में भी हेल्प करता है। तो कैपेसिटेशन और ट्रांसलोकेशन का आपस में बहुत ही अच्छा कनेक्शन होता है, ठीक है। जब कैपेसिटेटेड, जो कैपेसिटेटेड स्पर्म्स होंगे उनका ट्रांसलोकेशन भी बहुत रैपिडली होगा और वो बहुत ही तेजी से कहाँ पहुँचेंगे, बहुत ही तेजी से जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होना है यानी कि एम्पुलरी रीजन तक पहुँचेंगे। लेकिन जो अनकैपेसिटेटेड एग्स होंगे, जिनका कैपेसिटेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उतनी तेजी से मूव नहीं कर पाएंगे किधर, एम्पुलरी रीजन तक, वो क्या इसी एपिथेलियल सेल्स में फंसे रहेंगे और वो क्या हो जाएंगे, डाई ऑफ कर जाएंगे। डन, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं कादरी, कोई बात नहीं। व्हाट, चलो हाँ, कैपेसिटेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं बद्री, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम वहीं पर आ रहे हैं, ठीक है। कैपेसिटेशन को एक्सप्लेन ही करने जा रहे हैं। तो ट्रांसलोकेशन कहाँ तक हो गया, हमने कहा कहाँ तक पढ़ लिया कि स्पर्म का ट्रांसलोकेशन ओविडक्ट रीजन तक हो गया। अब थमस रीजन में क्या है, स्पर्म के साथ क्या बाइंड हो गई, इपीथीलियल सेल्स, इपीथीलियल सेल्स। याद रखिएगा, स्थमस रीजन ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी वर्क करता है, बहुत सारे स्पर्म को जाने से, एग तक पहुंचने से रोकने का भी काम करता है। अब कैपेसिटेशन दौरान, कैपेसिटेशन प्रोसेस के दौरान जो मॉलिकुलर चेंजेस होते हैं, अनकैपेसिटेटेड एग का मतलब क्या होता है, स्पर्म के हेड पर बहुत सारी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एग से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है और ना ही स्पर्म क्या नहीं हो पाता, हाइपर एक्टिव नहीं हो पाता है। तो अगर हमें क्या करना है, अगर हमें स्पर्म हाइपर एक्टिव करना है और उसमें इतनी कैपेसिटेशन का मतलब क्या, स्पर्म के पास इतनी कैपेसिटी हो जाए कि वो एग को फर्टिलाइज कर पाए, तो ये तब होगा जब कैपेसिटेशन होगा। कभी भी अनकैपेसिटेटेड एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो कैपेसिटेशन के दौरान क्या मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म होती है, यस, कैपेसिटी टू फर्टिलाइज ओवम कॉल्ड कैपेसिटेशन, बिल्कुल सही चंद्रकांत जी, बिल्कुल। चल, अब कैपेसिटेशन के दौरान जो मॉलिक्यूलर प्रोसेस होता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कैपेसिटेशन के दौरान क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एल्बुमिन, एल्बुमिन क्या करती है, स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन से कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स करा देती है, और कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स कराने की वजह से क्या होता है, जितने भी किसी भी मेम्ब्रेन में जो लिपिड राफ्ट्स बने होते हैं, लिपिड राफ्ट्स को बनाने में किसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, कोलेस्ट्रॉल का। तो कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स की वजह से वो जो लिपिड राफ्ट्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और लिपिड राफ्ट डिस्टर्ब होंगे तो जाहिर सी बात है उन लिपिड राफ्ट रीजन में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या प्रेजेंट होती है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, रिसेप्टर्स, तो वो सारे भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। दूसरी तरफ क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स की वजह से क्या ओपन हो जाएंगे मेम्ब्रेन में, कैल्सियम आयन चैनल्स और बाइकार्बोनेट आयन चैनल्स। कोलेस्ट्रॉल इफेक्ट पॉजिटिवली रेगुलेट कैल्सियम आयन चैनल्स एंड बाइकार्बोनेट आयन चैनल्स, और पोटेशियम आयन चैनल्स ओपन होने की वजह से पोटेशियम आयन बाहर जाने लगेंगे, और पोटेशियम आयन बाहर जाने की वजह से मेम्ब्रेन पोटेशियम कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। इसकी वजह से भी क्या होगा, कैल्सियम आयन क्या होंगे, अंदर आने लगेंगे। तो बाइकार्बोनेट और कैल्सियम आयन जब अंदर आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट एक प्रोटीन एडिनाइलिल साइक्लेस को एक्टिवेट कराते हैं। एडिनाइलिल साइक्लेस का काम क्या होता है, एटीपी को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करना, और जैसे ही सेल में साइक्लिक एएमपी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज ए, एंड दिस प्रोटीन काइनेज ए फॉस्फोराइलेट्स टायरोसिन काइनेजेस, और दिस टायरोसिन काइनेजेस फॉस्फोराइलेट्स नंबर ऑफ स्पर्म प्रोटीन्स, बहुत सारी स्पर्म प्रोटीन का टायरोसिन काइनेज फॉस्फोराइलेशन कराते हैं, और टायरोसिन काइनेज के फॉस्फोराइलेशन इसमें एक, इस फॉस्फोराइलेशन में एक स्पर्म प्रोटीन आती है जिसे बोलते हैं इज्यूमो। जब टायरोसिन काइनेज का फॉस्फोराइलेशन होता है तो टायरोसिन काइनेज बहुत सारी स्पर्म प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन कराता है, और उसके साथ ही किसका फॉस्फोराइलेशन करता है, इज्यूमो का, और यही इज्यूमो कहाँ जाकर लोकेट हो जाती है, स्पर्म के हेड पर लोकेट हो जाती है, और गैमेट फ्यूजन के टाइम पर
यही इज्यूमो एक्की में प्रेजेंट जो प्रोटीन होती है गैमीट फ्यूजन वाली, उसे बाइंड करती है, ज्यूनो से बाइंड करती है और गैमीट फ्यूजन को प्रोसीड करती है। तो जब भी कैपेसिटेशन होता है तो उस टाइम पर क्या होता है, टायरोसिन काइनेज के एक्टिवेट होने की वजह से बहुत सारी स्पर्म प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन होता है और स्पर्म कैपेसिटेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही क्या होता है, इसके साथ ही स्पर्म हाइपर एक्टिव हो जाता है कैपेसिटेशन होने के साथ साथ। कैपेसिटेशन होने के साथ साथ हाँ, एडिनाइल साइक्लेज जैसे, और इसके कैपेसिटेशन होने के साथ ही साथ बढ़ी हुई कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रही है, क्या करिए, इंक्रीज डाइनिन एक्टिविटी। और डाइनिन एक्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, स्पर्म का फ्लाजिलर एक्शन इंक्रीज होना। और जैसे स्पर्म का फ्लाजिलर एक्शन इंक्रीज होगा तो स्पर्म कैसा हो जाएगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा एंड स्पर्म स्विम विद इंक्रीज स्पीड एंड फोर्स। तो जब भी कैपेसिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो स्पर्म कैसा हो जाएगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा, उसका फ्लाजिलर एक्शन बढ़ जाएगा। ओके अब कैपेसिटेशन जब हो जाता है तो कैसा हो जाता है, स्पर्म हाइपर एक्टिव हो जाता है। हाइपर एक्टिव होने के साथ साथ दो प्रोसेसेस और होते हैं, कौन कौन से, थर्मोटैक्सिस एंड कीमोटैक्सिस। कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, थर्मोटैक्सिस एंड कीमोटैक्सिस। मोटिलिटी प्रोवाइड करेगी, बिल्कुल सालिम, मोटिलिटी प्रोवाइड करेगी। जब भी हाइपर एक्टिव होगा, डाइनिन की इंक्रीज एक्टिविटी का मतलब क्या होगा, फ्लाजिलर एक्शन बढ़ जाएगा, मतलब मोटिलिटी स्पर्म की बढ़ जाएगी। बहुत स्पर्म जो होगा बहुत ही स्पीड एंड बहुत ही फोर्स के साथ किधर बढ़ेगा, एम्पुलरी रीजन तक बढ़ेगा, एम्पुलरी रीजन तक की तरफ मूव करेगा। दूसरा जो प्रोसेस होता है ट्रांसलोकेशन में, दैट इज थर्मोटैक्सिस एंड कीमोटैक्सिस। थर्मोटैक्सिस का मतलब जब स्पर्म का कैपेसिटेशन हो जाता है तो जो इस्थमस रीजन होता है और एम्पुलरी रीजन होता है, इस्थमस रीजन के कंपैरिजन में जो एम्पुलरी रीजन होता है वो वार्मर होता है। कैसा होता है, वार्मर होता है। तो जो कैपेसिटेटेड स्पर्म होते हैं वो इस टेम्परेचर डिफरेंस को सेंस कर पाते हैं, मतलब इस टेम्परेचर डिफरेंस को सेंस करते हुए कूलर टू वार्मर रीजन की तरफ मूव करते हैं। लेकिन कैसे स्पर्म, जो कैपेसिटेटेड होते हैं, कभी भी अनकैपेसिटेटेड स्पर्म इस टेम्परेचर डिफरेंस को सेंस नहीं कर पाते। तो हमेशा क्या लिखा हुआ है, ओनली कैपेसिटेटेड स्पर्म रिस्पॉन्ड थर्मोटैक्टिकली। थर्मोटैक्सिस को कौन रिस्पॉन्ड करते हैं, कैपेसिटेटेड स्पर्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही प्रोसेस होगा मोहम्मद, बिल्कुल वही प्रोसेस होगा जो हमने वहां पर स्पर्म में, स्पर्म के स्ट्रक्चर के टाइम में, उसके फ्लाजिलर एक्शन में कैसे कैसे कौन डाइनिन प्रोटीन वर्क करती है, वो बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। इसीलिए हमने यहाँ स्पर्म के स्ट्रक्चर का कोई भी डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि हम ये बात पहले ही बता चुके हैं कि किस तरह से स्पर्म मूव करता है, कौन कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तो वो सारी चीज आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। चलो अब बात करते हैं, टैक्सिस सी अर्चिन में भी हो रही थी, कीमोटैक्सिस यहां पर भी होती है। वहां पर भी क्या हो रहे थे, एग से कुछ मॉलिक्यूल्स आ रहे थे, एग से रिसेक्ट कर रहा था और स्पर्म के लिए उसके पास क्या प्रेजेंट थे, रिसेप्टर प्रेजेंट थे। ऐसे ही यहां पर भी ऊसाइट एंड क्यूमुलस सेल्स सीक्रेट कीमोटैक्टिक एजेंट्स। तो ऊसाइट और क्यूमुलस सेल्स क्या करेंगी, कीमोटैक्टिक कंपाउंड्स को सीक्रेट करेंगी और वो कीमोटैक्टिक कंपाउंड क्या करेंगे, स्पर्म की टेल में को ओपन करेंगे। यहां पर जो कीमोटैक्टिक कंपाउंड होगा दैट इज प्रोजेस्ट्रॉन एंड सेकेंड कंपाउंड इज क्रिस्प वन। पहला कीमोटैक्टिक कंपाउंड प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, सेकेंड इज क्रिस्प वन। ये दोनों क्या एज अ कीमोटैक्टिक कंपाउंड काम करते हैं, ऊसाइट एंड क्यूमुलस सेल्स से करते हैं। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करते हैं, स्पर्म टेल में कैल्शियम आयन चैनल्स को ओपन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम आयन इन्फ्लक्स की वजह से स्पर्म क्या होता है, किसकी तरफ मूव करने लगता है, एम्पुलरी रीजन तक मूव करने लगता है और एग के पास पहुंच जाता है। क्रिस्पन भी सेम फंक्शन करते हैं, ये भी कैस्पर जीन्स के थ्रू क्या करते हैं, कैल्शियम आयन चैनल्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। तो कीमोटैक्सिस यहां पर भी परफॉर्म होती है। हमने तीन प्रोसेसेस पढ़े ट्रांसलोकेशन के दौरान, पहला हमने क्या पढ़ा रियोटैक्सिस, सेकेंड हमने क्या पढ़ा, थर्मोटैक्सिस
थर्मोटैक्सिस, और थर्ड हमने क्या पढ़ा, कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस तो रियोटैक्सिस में क्या हो रहा था, ये कह रहा है, हाँ रियोटैक्सिस के दौरान क्या हो रहा था, रियोटैक्सिस सबसे तब स्पर्म कैसा था, अनकैपेसिटेटेड था, और ये कब हो रही थी, बहुत ही लॉन्ग रेंज में हो रही थी। कब हो रही थी ये प्रोसेस, कब हो रहा था, लॉन्ग रेंज में। वाइल थर्मोटैक्सिस के दौरान स्पर्म कैसा हो गया था, कैपेसिटेट हो गया था, और जो डिस्टेंस थी स्पर्म की वो कम हो गई थी, क्यों, क्योंकि स्पर्म कहाँ आ गया था, ओविडक्ट रीजन से आगे आ गया था। तो ये कैसी हो गई, ये मॉडरेट रेंज में होती है ये प्रोसेस, ये जब प्रोसेस होगा तो कब होगा, मॉडरेट रेंज में होगा। और कीमोटैक्सिस के केस में, कीमोटैक्सिस के केस में स्पर्म जब एग के बहुत पास आ चुका होगा तभी वो एग से आने वाले कीमोटैक्टिक कंपाउंड्स को रिसीव कर पाएगा और उनको ये रिस्पॉन्ड कर पाएगा। तो कीमोटैक्सिस कब होगी, नियरेस्ट रेंज में होगी, कीमोटैक्सिस कब होगी, नियरेस्ट रेंज में होगी। तो रियोटैक्सिस कब होता है, जब लॉन्ग रेंज डिस्टेंस होती है। थर्मोटैक्सिस और कीमोटैक्सिस कब होते हैं, थर्मोटैक्सिस मॉडरेट रेंज में होती है, और वाइल कीमोटैक्सिस कब होती है, नियरेस्ट रेंज में होती है। तो जब कीमोटैक्सिस के दौरान क्या होता है, कीमोटैक्टिक कंपाउंड रिलीज होते हैं, और इन कीमोटैक्टिक कंपाउंड को कौन रिस्पॉन्ड करेगा, स्पर्म रिस्पॉन्ड करेगा और एग से आकर इंटरैक्ट होगा। तो कैपेसिटेशन क्या करता है, कैपेसिटेशन स्पर्म को क्या करता है, कॉम्पिटेंट बनाता है कि वो क्या करे, इस थर्मोटैक्सिस और कीमोटैक्सिस को रिस्पॉन्ड कर पाए, क्या कर पाए भाई, उसके उसके स्पर्म में अगर कॉम्पिटेंस नहीं होगा थर्मोटैक्सिस को, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस को सेंस करने का और कीमोटैक्टिक कंपाउंड को रिस्पॉन्ड करने का, तो वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो थर्मोटैक्सिस और कीमोटैक्सिस को कौन रिस्पॉन्ड करते हैं, कैपेसिटेटेड एग कौन रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ओनली कैपेसिटेटेड स्पर्म रिस्पॉन्ड दिस कीमोटैक्टिक कंपाउंड, दिस कीमोटैक्टिक कंपाउंड। तो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं जो क्या करते हैं, स्पर्म को कहाँ तक पहुँचाते हैं, एम्पुलरी रीजन तक पहुँचाते हैं, यानी कि एग के पास पहुँचाने का काम करते हैं। डन, हाँ एटीपी फॉर्म में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो, बहुत ध्यान से देखो, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, एक्रोम रिएक्शन एंड रिकॉग्निशन ऑफ जोना। तो हमने बताया था कि मैमल्स के केस में क्या काम पहले होगा, बाइंडिंग पहले होगी और एक्सोसाइटोसिस बाद में होगी, लेकिन यहाँ पर एक जोना प्रोटीन ऐसी भी होती है, जोना पैलुसिडा में तीन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, ZP1, ZP2 and ZP3। ये तीन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जोना लेयर में। ZP2 जो होती है और ZP3 ये परफॉर्म करती हैं क्या, ये बाइंडिंग, ये फर्टिलाइजेशन के दौरान इंटरैक्ट करने का काम करती हैं, किससे, स्पर्म से। ZP2 जो इंटरैक्ट होती है ये एक्रोसोम रिएक्टेड स्पर्म से इंटरैक्ट होती है, एक्रोसोम रिएक्टेड स्पर्म से इंटरैक्ट होती है, वाइल ZP3 जो इंटरैक्ट होती है वो एक्रोसोम इंटैक्ट स्पर्म से इंटरैक्ट होती है। अब ये क्या है, एक्रोसोम इंटैक्ट स्पर्म और एक्रोसोम रिएक्टेड स्पर्म। एक्रोसोम रिएक्शन तो सभी को पता है ना, एक्रोसोम रिएक्शन जैसे वहां हो रही थी वैसे यहां पर होगी, मतलब एक्रोसोम का मतलब एक्सोसाइटोसिस ऑफ एक्रोसोमल कंटेंट। तो एक्रोसोम रिएक्शन, एक्रोसोम रिएक्टेड स्पर्म और इंटैक्ट स्पर्म का मतलब ये होता है कि जब एक्रोसोम रिएक्शन हो जाए, एक्रोसोम रिएक्शन का हो चुकी हो और तब स्पर्म क्या करे, बाइंड करे किससे, तब स्पर्म किसे बाइंड करता है, ZP2 से, किससे बाइंड करता है, ZP2 से। बाय जिस भी स्पर्म में अभी तक एक्रोसोम रिएक्शन नहीं हुई है, एक्रोसोमल कंटेंट इंटैक्ट कंडीशन में है, वो किससे बाइंड करता है, वो ZP3 से बाइंड करता है। तो देखा गया है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये बताया है कि ZP2 के केस में सक्सेसफुली फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं ZP3 के। मतलब अगर एक्रोसोम रिएक्टेड स्पर्म है, एक्रोसोम रिएक्टेड का मतलब एक्सोसाइटोसिस जिसकी हो चुकी है,
तब वो ZP2 से इंटरेक्ट कर रहा है तो वो इजिली क्या करेगा, जूनालिसिस करेगा और गैमेट फ्यूजन होगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन जो ZP3 से इंटरेक्ट करते हैं वो एक्रोसोम इंटैक्ट स्पर्म होते हैं, मतलब वो पहले जोना से बाइंड करते हैं, जोना लेयर से यानी कि ZP3 प्रोटीन से बाइंड करते हैं, उसके बाद उनमें एक्रोसोम रिएक्शन इनिशिएट होती है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऐसा देखा गया है कि ZP2 के केस में फर्टिलाइजेशन ज्यादा सक्सेसफुली होता है कंपैरेटिवली ZP3 के। देखिए, पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। अर्ली एविडेंस फ्रॉम रैबिट्स एंड हैमस्टर्स सजेस्टेड दैट स्पर्म अराइविंग एट द एग हैड ऑलरेडी अंडरगोन द एक्रोसोम रिएक्शन। मोर रिसेंटली जिन एंड कलीग्स, अभी तक हमने यही पढ़ा था कि क्या होता है, बाइंडिंग पहले होती है, एक्रोसोम रिएक्शन बाद में होती है। मोर रिसेंटली जिन एंड कलीग्स शोड दैट माउस एक्रोसोम रिएक्शन अकर्स प्रायर टू स्पर्म बाइंडिंग टू द जोना। दे फाउंड दैट सक्सेसफुल स्पर्म दैट इज दोज दैट एक्चुअली फर्टिलाइज्ड एन एग हैड ऑलरेडी अंडरगोन द एक्रोसोम रिएक्शन बाय द टाइम दे वर फर्स्ट सीन इन द क्यूमुलस। स्पर्म दैट अंडरवेंट द एक्रोसोम रिएक्शन ऑन द जोना वर ऑलमोस्ट ऑलवेज अनसक्सेसफुल। Thus, it appears that most sperm undergoes the acrosome reaction in or around the cumulus. Moreover, they probably bound to act through the ZP2, जिसमें acrosome reaction हो चुकी होगी, वो किससे interact करेंगे? ZP2 से on the zona pallida. While जिसमें acrosome reaction नहीं हुई होगी, जिनमें देखो लिखा है, in a gain of function experiment, ZP2 was shown to be critical for human sperm egg binding. While जिनमें क्या नहीं हुई होगी, ZP3 was the other candidate for binding sperm. However, it provided evidence that mouse egg with mutations in ZP3 were still fertile. ZP3 के केस में क्या होगा? Acrosome intact sperm bind होगा, जिसमें acrosome reaction नहीं हुई होगी. While ZP2 के केस में क्या होगा? Acrosome reacted sperm bind होगा, जिसमें acrosome reaction हो चुकी होगी। तो ZP3 के केस में क्या होता है? ZP3 के केस में क्या होगा? ZP3 के केस में एक्रोसोम इंटैक्ट स्पर्म दिख रहा होगा आप लोगों को फिगर में, एक्रोसोम इंटैक्ट स्पर्म होता है और ZP3 जो लेयर होती है, ZP3 जो प्रोटीन होती है, उसके पास एक रेसिड्यू प्रेजेंट होता है, दैट इज एन एसिटिल ग्लूकोजामिनिडेज या ग्लूकोजामाइन, नॉट ग्लूकोजामिनिडेज नहीं, ग्लूकोजामाइन, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन। ZP3 के पास क्या होता है? एन एसिटिलोजामाइन। तो एन एसिटिलोजामाइन के लिए रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो एक्रोसोमल इंटैक्ट स्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक्रोसोमल रिएक्शन नहीं हुई है, उनके पास क्या प्रेजेंट होता है? गैल्टी, गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज। और जैसे ही इन रिसेप्टर से बाइंडिंग होती है स्पर्म की, फिर उसके बाद क्या होता है? एक्रोसोमल रिएक्शन इनिशिएट होती है और जितना भी प्रोटियोलिटिक कंटेंट होता है वो रिलीज हो जाता है, जोना लेयर क्या हो जाती है? जोना लेयर की लिसिस हो जाती है और उसके बाद फ्यूजन होने लगता है। तो ZP2 और ZP3 दोनों का केस याद रखना, ZP2 हो रहा है, देन तो जैसे ही गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज से ZP3 पर प्रेजेंट एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन बाइंड करेंगे, वैसे ही क्या होगी? एक्रोसोम रिएक्शन इनिशिएट हो जाएगी, अब बात करें किसकी? गैमेट फ्यूजन की। किसकी बात करते हैं? गैमेट फ्यूजन की। हाँ, ओके, अ लॉट ऑफ बफरिंग, कोई बात नहीं कशूर जी, आप बाद में देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, चलिए अब बात करते हैं किसकी? गैमेट फ्यूजन की एंड द प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी की। गैमेट फ्यूजन के दौरान जब जोनालिसिस हो जाती है तो जो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बुक से देखते हैं, इसको हम लोग इस फिगर को बुक से देखते हैं, ये देखिए तो मैमल्स के केस में जो स्पर्म होता है वो कैसे इंटरेक्ट करता है एग से? उसके इक्वाटोरियल रीजन से। कैसे इंटरेक्ट करता है? इक्वाटोरियल रीजन से। के लिए क्या होना, पहले क्या होता है? एक्रोसोम रिएक्शन होती है। एक्रोसोम रिएक्शन जब हो जाती है तो इसके इक्वाटोरियल रीजन पर ये जो रेड रेड आपको दिख रही है, ये क्या है?
इज्यूमो प्रोटीन रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। क्या हो जाती है? इज्यूमो प्रोटीन रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी कि एक्सपोज हो जाती है। और ये किससे इंटरेक्ट करती है फ्यूजन के टाइम पर? ये फ्यूजन के टाइम पर एग की माइक्रोविलाइज पर प्रेजेंट ज्यूनो प्रोटीन से इंटरेक्ट करती है। किससे इंटरेक्ट करती है? ज्यूनो प्रोटीन से। ये क्या है? ये ज्यूनो प्रोटीन है और ये इज्यूमो। और जब इन दोनों का इंटरेक्शन होता है, इस हम पर क्या प्रेजेंट होती है? इज्यूमो। और एग की माइक्रोविलाइज पर क्या प्रेजेंट होती है? ज्यूनो प्रोटीन। जब इन दोनों का इंटरेक्शन होता है तो उस केस में क्या होता है? स्पर्म एग फ्यूजन हो जाता है। और जहां पर ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करती हैं, वहां पर एक प्रोटीन रिक्रूट कराती हैं, दैट इज CD9 जो इन्वॉल्व होती है किसमें? स्पर्म और एग के अधेशन में इन्वॉल्व होती है। ये इस CD9 प्रोटीन के रिक्रूटमेंट के बाद क्या होता है? स्पर्म और एग का फ्यूजन हो जाता है। किसका फ्यूजन हो जाता है? क्या करती हैं? स्पर्म एग के फ्यूजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मतलब अगर हम क्या करें, अगर हम इज्यूमो को रिमूव करें एग से, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में एग से उसका फ्यूजन नहीं हो पाएगा भाई जून। और अगर हम एग से, तो उस केस में भी फ्यूजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि CD9 रिक्रूट नहीं हो पाएंगी। क्या नहीं हो पाएंगी? CD9 रिक्रूट नहीं हो पाएंगी। देखो क्या लिखा हुआ है, द इंटरेक्शन ऑफ इज्यूमो एंड ज्यूनो रिक्रूट्स द एग मेम्ब्रेन प्रोटीन CD9 टू द एरिया ऑफ द स्पर्म एग अधेशन। दिस प्रोटीन अपीयर्स टू बी इन्वॉल्व्ड इन स्पर्म एग फ्यूजन सिंस फीमेल माइस विद CD9 जीन नॉक्ड आउट आर इनफर्टाइल ड्यू टू फ्यूजन डिफेक्ट्स। CD9 रिक्रूटमेंट तभी होगा जब क्या होगा? जब स्पर्म और एग की, स्पर्म की इज्यूमो प्रोटीन और एग की ज्यूनो प्रोटीन आपस में क्या करेंगी? इंटरैक्ट करेंगी, तभी क्या होगा? CD9 का रिक्रूटमेंट होगा और तभी क्या हो पाएगा? फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। तो अगर CD9 को नॉकआउट कर दिया जाए तो उस केस में क्या होगा? इनफर्टिलिटी होगी। क्या होगा? इनफर्टिलिटी होगी। डन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होना था? प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी की, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट ना हो। तो मैमल्स के केस में हमने बताया था फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी नहीं होती है। कौन सी पॉलीस्पर्मी परफॉर्म होती है? स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। कौन सी पॉलीस्पर्मी परफॉर्म होती है? स्लो ब्लॉक। देखो दो कंपाउंड, बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहता है, सिर्फ दो कंपाउंड ऐसे होते हैं, दो प्रोटीन ऐसी होती हैं जो स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी के दौरान मैमेलियन एग के कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से रिलीज होती हैं, दैट इज एन एसिटिल ग्लूकोसामिनिडेज विच क्लीव्स ZP3 रिसेप्टर्स। क्या करती हैं ये ZP3? जो एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन प्रेजेंट होते हैं ZP3 पर, उनको क्या कर देती हैं? उनको रिमूव कर देती हैं। ZP3 प्रोटीन के पास जितने भी एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन प्रेजेंट होते हैं, जिनसे कौन इंटरेक्ट होता है? गैलेक्टोसाइल ट्रांसफ्रेज इंटरेक्ट होते हैं। तो ये क्या करती हैं? ये एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन को रिमूव कर देती हैं, एन एसिटिल ग्लूकोसामिनिडेज। और उसकी वजह से क्या होता है? कोई भी अब दूसरा स्पर्म इंटैक्ट नहीं कर, जो एक्रोसोम इंटैक्ट स्पर्म होगा वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। ओवेस्टेसिन, ओवेस्टेसिन का काम क्या होता है? ओवेस्टेसिन ZP2 को क्लीव करती है। किसको क्लीव कर देती है? ZP2 को। और जब ZP2 को क्लीव कर देंगी तो एक्रोसोम रिएक्टेड स्पर्म है वो भी बाइंड नहीं हो पाएंगे और पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट हो जाएगी। तो ओवेस्टेसिन का काम होता है किसको क्लीव करना? ZP2 को, वाइल एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन रिमूव्स ZP3। तो उस केस में पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट हो जाएगी। और ये दोनों कंपाउंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये दोनों कंपाउंड मैमेलियन एग के कॉर्टिकल ग्रेन्यूल में प्रेजेंट होते हैं। तो जब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन होती है, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी होता है, तो उस दौरान क्या होते हैं? ये दोनों कंपाउंड ZP3 और ZP2 को रिमूव करने का काम करते हैं। डन। देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ओवेस्टेसिन इज अ पायनियर कंपोनेंट of mouse cortical granules and plays a definitive role in the post-fertilization block to sperm binding that ensures
मोनोस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन एंड सक्सेसफुल डेवलपमेंट इन्वॉल्व इन हार्डनिंग ऑफ जोन ऑफ पैलुसिडा द मोडेलो प्रोटीनेज ओवेस्टेशन इज स्टोर्ड इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इट क्लीव्स जोन ऑफ पैलुसिडा जेडपी टू अपॉन फर्टिलाइजेशन एंड देयर बाई डिस्ट्रॉयज द जेडपी स्पर्म लिगेंड एंड ट्रिगर्स जेडपीएच फीमेल माइस डेफिशियंट इन द एक्स्ट्रासेलुलर सर्कुलेटिंग ओवेस्टेशन इनहिबिटर फीटन बी आर इनफर्टाइल ड्यू टू प्री मैच्योर जेडपी एच. तो ओवेस्टेशन का काम क्या होता है, जेडपी टू को रिमूव कर देना ताकि क्या हो पाए, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट हो पाए. तो ओवेस्टेशन क्या करती है, मोनोस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन को इंश्योर कराती है. देन यस बिल्कुल महाराज, ज्यूमो और जीनोज इतनी इंपॉर्टेंट है, CD9 भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है. ZP1 कॉम्पिटेंट नहीं होती है शिवानी स्पर्म बाइंडिंग के लिए, ZP1 कॉम्पिटेंट नहीं होती है स्पर्म बाइंडिंग के लिए. ये देखो फिगर देखो, चार लिए गए, चार जोना प्रोटीन लिए गई, ZP1, ZP2, ZP3 एंड ZP4. सबसे ज्यादा स्पर्म्स तुम्हें कहाँ दिख रहे हैं, ZP1 में दिख रहे हैं, ZP2 में दिख रहे हैं, ZP3 में दिख रहे हैं या ZP4 में दिख रहे हैं, बताओ. सबसे ज्यादा स्पर्म्स आप लोगों को कहाँ दिख रहे हैं, ZP2 में दिख रहे हैं. कहाँ दिख रहे हैं, ZP2 के किस में दिख रहे हैं. क्लियर है सभी को ये प्रोसेस, क्लियर है, डन, सभी को क्लियर है, रिप्लाई करो, बताओ क्लियर है सभी को. हाँ, ZP2 में दिख रहे हैं, बिल्कुल सही वैष्णव, बिल्कुल महाराज, बिल्कुल क्लियर है. हाँ क्लियर है, ओके. चलो, तो मैमिलियन फर्टिलाइजेशन के बारे में दैट इज ऑल अबाउट, इतना था. अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने अभी आगे देखे थे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे इस सेशन से कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ है. तो ये चलो देखो, पहला क्वेश्चन, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म इन ह्यूमंस अकर्स ड्यूरिंग कॉपुलेशन, अकर्स आफ्टर द एक्रोसोम रिएक्शन, टेक्स प्लेस इन द एम्बुला ऑफ द ओवरक्ट, टेक्स प्लेस इन द एपिडिडाइमस ऑफ द टेस्टिस. कब होता है कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन का प्रोसेस क्या कब होता है बताइए, कैपेसिटेशन का प्रोसेस कब होता है बोलो. यस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन. कब होता है ओविडक्ट के एम्बुलरी रीजन में होता है. डन, सेकेंड ऑप्शन, अमन चौधरी सेकेंड ऑप्शन क्यों बोल रहे हो, सेकेंड ऑप्शन किसको लग रहा है महाराज, सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा. एम्बुला ऑफ ओविडक्ट नहीं होगा, एक्रोसोम रिएक्शन के पहले नहीं होता है. कब होता है ना, एक्रोसोम रिएक्शन के बाद कब, कैपेसिटेशन कब होता है, एम्पुला ऑफ द ओविडक्ट में. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटेशन ऑफ द मैमेलियन स्पर्म्स अलाउज देम टू बी एक्टिवेटेड विद इन द यूटरस एंड फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन. द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड रिगार्डिंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग कैपेसिटेशन. तो कैपेसिटेशन के दौरान क्या होता है, जितना भी स्पर्म हेड पर जितना भी कार्बोहाइड्रेट कोलेस्ट्रॉल जितनी भी प्रोटीन डिपॉजिट है उन सब का रिमूवल होता है ताकि स्पर्म किससे इंटरेक्ट कर पाए, जोना लेयर से इंटरेक्ट कर पाए. तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द हेड. सही है, करेक्ट है ये ऑप्शन करेक्ट है या नहीं बताइए, पहला ऑप्शन करेक्ट है या नहीं. हाँ रस्टी निंजा, फोर्थ ऑप्शन बहुत सही. चलिए सेकेंड ऑप्शन देखिए, रिमूवल ऑफ नॉन कोवेलेंटली बाउंड ग्लाइकोप्रोटीन, यस इनका भी रिमूवल हो जाता है. इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ फाइब्रोएक्टिन, यस ये भी हो जाता है, क्या नहीं होता है. डिक्रीज परमेबिलिटी ऑफ कैल्सियम आयन, नहीं कैल्सियम आयन की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज नहीं होती. कैपेसिटेशन के दौरान क्या होता है, कैल्सियम आयन की जो परमेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है. तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, ए बी एंड सी. डन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट स्पर्म रिमूव फ्रॉम द एपिडिडाइमस ऑफ अ मेल माउस वॉज एडेड इन अ डिश कंटेनिंग अप्रोप्रिएट मीडिया एंड ऊसाइड.
no fertilization was seen. However, when sperm from epididymis were directly placed in uterus of an ovulated female, she became pregnant. These observations suggest that तो किसी भी स्पर्म को फर्टिलाइज किसी भी एग को फर्टिलाइज होने के लिए उसे कहाँ क्या करना पड़ता है, उसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के थ्रू कहाँ पहुँचना होता है, एम्बुलरी रीजन तक पहुँचना होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव हमने बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हाईली सेट ऑफ प्रोटीन्स हाईली स्पेशलाइज सेट ऑफ प्रोटीन्स और टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं स्पर्म के ट्रांसलोकेशन के साथ साथ उसके मैच्योरेशन एग को भी रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट, हमें इन सारों ऑब्जर्वेशन में से करेक्ट ऑब्जर्वेशन बताना है। द स्पर्म नीड टू ट्रेवल सम डिस्टेंस टू अटेन फर्टिलाइजेशन एबिलिटी। सिर्फ ट्रेवल ही नहीं करना होता है, क्या करना होता है, इसके साथ ही जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के कंटेंट्स हो रहे हैं वो क्या करने का काम करते हैं, कैपेसिटेशन का काम करते हैं। तो ये सही है बट उतना करेक्ट नहीं है जितना होना चाहिए। चलो नेक्स्ट ऑप्शन, द ओसाइट सीक्रेट सम बायोकेमिकल फैक्टर्स विच हेल्प स्पर्म टू फर्टिलाइज। द ओसाइट सीक्रेट सम बायोकेमिकल और फैक्टर्स विच हेल्प स्पर्म टू फर्टिलाइज। थर्ड, द हॉर्मोन्स इन बॉडी हेल्प स्पर्म टू अटेन फर्टिलाइजेशन एबिलिटी। फोर्थ, द कंटेंट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इंटरैक्ट विद स्पर्म एंड एक्टिवेटेड फॉर फर्टिलाइजेशन। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अरे वाह, पहले ही सबने आंसर कर दिया, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चलो अब दिसंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स प्रोटीन एज्यूमो एंड ज्यूनो आर रिक्वायर्ड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ स्पर्म एंड एग। Azumo and Zuno are found specifically in sperm and egg respectively. Which one of the following in vivo experiment will demonstrate that Azumo and Zuno interact with each other? If sperms from a male mouse where Azumo kahan present hoti hai, sperm mein, aur Zuno kahan present hoti hai, egg mein. If a sperm from a male mouse where Azumo has been knocked out is used to fertilize egg from a normal female and no fertilization occur. तो Azumo को अगर remove कर दिया तो हम Azumo और Zuno के interaction का हमें पता लगाना है experiment के through. तो अगर Azumo remove हो जाएगी तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि Azumo Zuno से कैसे interact होती है. First option incorrect हो गया. Whole mount immunostaining for Azumo and Zuno shows its presence on the sperm and egg respectively. नहीं, इससे इंटरेक्शन का पता नहीं चलेगा, हमें इससे इंटरेक्शन का पता नहीं चलेगा। If a CFP fused Azumo protein is mixed with YFP fused Zuno protein in a tube, fret occurs. That is when CFP is excited, emission of YFP is observed. ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये ऑप्शन जब भी CFP अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने सैन फ्लोरोसेंट प्रोटीन और येलो फ्लोरोसेंट प्रोटीन के बारे में, तो ये दोनों जब क्या होती हैं, फ्यूज होती हैं और फ्रेट मिलता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में अगर हमें दो प्रोटीन के बीच का इंटरेक्शन पता करना है कि दो प्रोटीन आपस में इंटरेक्ट कैसे होती हैं, तो अगर हम इन दोनों प्रोटीन से लेबल करा दें तो उस केस में क्या होगा, जैसे CFP YFP से इंटरेक्ट करेगी, अगर फ्रेट मिल रहा है तो हमें क्या पता चल जाएगा, उनके बीच का इंटरेक्शन पता चल जाएगा, ये सही हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन, टू इंडिपेंडेंट किडनी सेल लाइंस आर डेवलप्ड, वन एक्सप्रेसिंग Azumo एंड द अदर Zuno। इफ द टू सेल्स आर मिक्स्ड दे टेंड टू एग्रीगेट विद ईच अदर। ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है और इसके केस में फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन मोस्ट करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो फोर्थ होगा, दोनों एग्रीगेट कर जाएंगी। CFP और YFP वाला क्यों करेक्ट नहीं है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन सही होना चाहिए। हाँ ओके, तो जो बी, अब इसमें वेरी नॉर्मल, इसका कौन सा आंसर सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है इसका, लेकिन थर्ड ऑप्शन भी गलत नहीं हो सकता, अगर CFP YFP का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ब्लर है पर देखने की कोशिश करो। ह्यूमन स्पर्म्स आर अलाउड टू फर्टिलाइज ओवा हैविंग नॉन फंक्शनल ओवेस्टेसिन का मतलब क्या हुआ,
ओवरस्टेशन फंक्शन नहीं करेगा तो किसका रिमूवल नहीं होगा, जेड बी टू का रिमूवल नहीं होगा। द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज मे बी ऑफ सिग्निफिकेंस इन द फ्यूजन ऑफ दीज गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ दीज गैमीट्स। पहला ऑप्शन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 में, जिसको क्वेश्चन नहीं विजिबल है वो एग्जाम पेपर से देख सकता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ, द स्पर्म विल नॉट फर्टिलाइज ओवा, स्पर्म विल नॉट फर्टिलाइज ओवा, क्या ये ऑप्शन सही है, क्या ये ऑप्शन सही है, हमें क्या बताना है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द आउटकम ऑफ अबव इवेंट, तो ओवेस्टेशन नॉन फंक्शनल है, उसके केस में क्या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, उसके केस में क्या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इनकरेक्ट है, बिल्कुल जया, बिल्कुल जया, बिल्कुल जया, हाँ गोपाल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इन वीवो पूछा गया था इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, बिल्कुल गोपाल दास बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, इसीलिए थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। चलो चलो चलो, अब ए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, द स्पर्म विल नॉट, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, द स्पर्म विल बाइंड एंड पेनिट्रेट द ज़ोना पेलुसिडा, स्पर्म विल बाइंड एंड पेनिट्रेट द ज़ोना पेलुसिडा विल मेम्ब्रेन विल नॉट बी फ्यूज विद ओवम मेम्ब्रेन, तो ऐसा कुछ हो गया ओवेस्टेसिन ना होने से, ओवेस्टेसिन ना होने से ओवम मेम्ब्रेन से बाइंडिंग नहीं होगी, बताइए। The sperm will bind and penetrate the zona pellucida, but will not be able to the fuse with the membrane. Incorrect है, बिल्कुल incorrect है। C option, ZB2 will not be clipped off by the cortical granule protease. बिल्कुल cortical ovestesin कहता होता है, protease होता है, तभी तो ZB2 को क्या कर देता है, clip off कर देता है। तो C option कैसा होगा, C option correct option होगा। देखो इन्होंने यहाँ पर ovestesin की बात करी है, लेकिन ovestesin से related, ओवेस्टेसिन से रिलेटेड, हाँ अब ओवेस्टेसिन से रिलेटेड सी ऑप्शन में इन्होंने ओवेस्टेसिन की बात नहीं करी है, लेकिन हमें पता होगा कि ओवेस्टेसिन कैसे काम करता है, जेड पी टू को क्लीव करने का काम करता है, क्लिप ऑफ करने का काम करता है। तो जेड पी टू विल नॉट बी क्लिप्ड ऑफ बाई द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल प्रोटीएजेस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। डी, CD9 protein of egg membrane microvilli will not be able to interact, will not be able to interact will with the sperm membrane proteins in the absence of ovestesin, ovestesin। तो CD9 protein का जो CD9 protein का recruitment ऐसा कुछ भी नहीं है, CD9 को recruit कराने का काम कौन करता है, Eximo और Zuno करती है, उसमें ovestesin का B option भी incorrect हो जाएगा। E option, पॉलीस्पर्मी में कर फ्रिक्वेंटली, हाँ अगर ओवेस्टेसिन रिमूव, अगर ओवेस्टेसिन नॉन फंक्शनल हुआ तो जेड पी टू का रिमूवल नहीं होगा और उसके इसमें पॉलीस्पर्मी होने के चांसेस रहेंगे। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है, सी एंड ई ऑप्शन, कौन कौन सा ऑप्शन सही है, सी एंड ई ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर ये वाले में कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन इज मोस्ट करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन। अगर इन्होंने यहाँ पर, अगर इन्होंने यहाँ पर इन वीवो नहीं लिखा होता तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता, ठीक है। चलो डन डन डन, ओके बात हो गई पूरी किसकी, मैमिलियन फर्टिलाइजेशन की। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, लेक्चर फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा है वो उनको इससे रिलेटेड क्वेश्चन टेस्ट में मिलेंगे इस सारे टॉपिक से, मतलब हालांकि जो टॉपिक आपने नहीं भी पढ़ा है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है वो ज्वाइन करें, अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन अभी भी हो रहा है ना रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे क्या, क्लीवेज एंड गैस्ट्रुलेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या पढ़ेंगे, क्लीवेज एंड गैस्ट्रुलेशन, कौन से एनिमल में किस टाइप का क्लीवेज होता है और किस तरीके का सेल मूवमेंट होता है, कितने तरीके के किस तरीके से सेल मूव करती हैं और जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन करती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग किसमें पढ़ेंगे, क्लीवेज एंड गैस्ट्रुलेशन में। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे हम लोग आप लोगों से, अब मंडे को 3 बजे इसी टाइम पर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, ओके गाइज, बाय बाय।